जाओ भाई पीछे पीछे लॉरेंस लॉरेंस पीछे पीछे इस वेले की वड्डी खबर सिद्धू मूसेवाला के कतल कांड दे नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिस दे विच एक वड्डा खुलासा किया है। उन्होंने दस्सिया कि सिद्धू मूसेवाला नूं कतल करन वाले 6 व्यक्तियों की पहचान हो चुकी है। इस पूरे मामले लेके दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी का की कहना है आओ तुहानूं भी सुनाउने आ। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से सिद्धू मूसेवाला मर्डर हुआ है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम लगातार उस पर काम कर रही हैं। इनफैक्ट हमारी मल्टीपल टीम्स इस पर काम कर रही हैं क्योंकि पहले भी स्पेशल सेल ने जैसा कि आप जानते हैं इस मॉड्यूल पे और ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स पे बड़ा एक्सटेंसिव काम किया है। और जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जो दो नोटेबल किलिंग्स थी पंजाब की संदीप नांगल अंबिया की और विक्की मिड्डू खेड़ा की, तो उसमें जो मेन शूटर्स थे उनको स्पेशल सेल की टीम ने अरेस्ट किया था। तो हम बड़ा क्लोजली एसोसिएट करते हैं और बड़ा क्लोजली नेबरिंग और जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जिन केसेस में हमें लगता है कि इसकी इम्प्लीकेशन दिल्ली के लिए भी है तो हम उस पर प्रोएक्टिवली रिएक्ट करते हैं। इस केस में हमने देखा कि जिस तरीके से ये किलिंग करवाई गई ये बहुत ही ब्रेजन थी, बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड इसकी डायमेंशन थी। चाहे ये किलिंग नेबरिंग स्टेट में हुई थी बट क्योंकि हमने पहले इनके लॉरेंस बिश्नोई गैंग के की लोगों को अरेस्ट किया है, काला राणा को डिपोर्ट किया गया था और इस केस में जो एक नया नाम इमर्ज किया है विक्रम बराड़ का जो कि किलिंग ऑर्गेनाइज कराने में शामिल है, उसकी एलओसी भी जुलाई में स्पेशल सेल ने खुलवाई थी। तो एक तो इसमें ये डेवलपमेंट है कि स्पेशल सेल ने अभी तक 6 शूटर्स को आइडेंटिफाई किया है और इनफैक्ट आपने ये जो इमेज देखा होगा 8 लोगों का पहले, तो ये जो ग्राउंड वर्क था ये भी स्पेशल सेल की टीम ने किया था, लेकिन इसमें से 4 शूटर्स को हम उनका रोल ऑलमोस्ट कंफर्म कर पाए हैं और जो बाकी 4 हैं उनका शूटिंग से अभी बहुत कंफर्मेशन बाकी है, उनका एक्चुअल शूटिंग में होना अनलाइकली है इस स्टेज पे। उनकी आगे क्या इंडिविजुअल रोल है वो हम जब अरेस्ट करेंगे या जब हम जैसे कि महाकाल की रेस्ट हुई है जो चीज़ डेफिनेट इमर्ज करेगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन महाकाल की इंटरोगेशन से जो जॉइंट इंटरोगेशन हमने करी महाराष्ट्र पुलिस के साथ उससे ये क्लियर हुआ है कि जो महाराष्ट्र मॉड्यूल के 2 शूटर्स थे जिनका नाम अभी इमर्ज किया है संतोष जाधव एंड नवनाथ सूर्यवंशी, महाकाल ने ये बताया है कि उनको 3.5 लाख रुपए ईच मिले और 50,000 रुपए उसको दिलवाए गए क्योंकि उसने इन शूटर्स को मेन परपेट्रेटर से इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये अभी तक की हमारी जो एक्सटेंसिव ग्राउंड वर्क है, एक्सटेंसिव इसकी कार्रवाई है स्पेशल सेल की टीम से, उसमें अभी तक ये बातें इमर्ज करी हैं। वन एट अ टाइम मैं सारे क्वेश्चन लूंगा, वन एट अ टाइम। उसका अभी तक जो रोल आया है उसने शूटर्स ऑर्गेनाइज कराने में कोऑर्डिनेट किया है और लेटर वाले में भी उसका कुछ रोल है, वो भी हम प्रोब कर रहे हैं और महाराष्ट्र पुलिस इस पे फर्दर काम कर रही है। नहीं, मैंने बताया कि इस जो ये पिक्चर ऑलरेडी मीडिया बहुत वाइडली सर्कुलेटेड है तो क्योंकि ये हमारी स्पेशल सेल की टीम ने इस पे ये आइडेंटिफाई किए थे क्योंकि इस पे अगर आप देखेंगे तो लिखा था ये लाइकली सस्पेक्ट्स था, मतलब ये नहीं था कि यही हैं। तो इसमें से 4 हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हैं जिनका डेफिनेट रोल है एक्चुअल शूटिंग में, लेकिन 4 का रोल अभी एक्चुअल शूटिंग नाम के साथ ही आपने नाम के हाँ नहीं है। वो
जो नाम हमें बियॉन्ड डाउट होगा वही हम आपसे शेयर कर पाएंगे, क्योंकि शूटर अभी एक्चुअल शूटर अरेस्टेड नहीं है, लेकिन जो अभी तक जॉइंट इंटरोगेशन में बात आई है, जो हम आपसे शेयर कर सकते हैं, जो रोल हाईलाइट हुआ है वो ये है कि महाकाल ने दो शूटर्स को इंट्रोड्यूस करवाया मास्टरमाइंड्स के साथ, और दो लोग जो अभी तक इसमें इमर्ज किए हैं, दो लोगों का नाम वो आपसे हमने शेयर किया है। पहले बता चुके हैं यार, कितनी बार सुनेंगे। देखिए वो अलग अलग नहीं है, सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है। सर, सलमान खान के घर के बाहर की रेकी कब की गई थी? क्या लॉरेंस बिश्नोई ने ही वो पूरी रेकी करवाई थी जिसमें सलमान को मारने का इन लोगों ने प्लान बनाया था लॉरेंस बिश्नोई ने? कब की ये बात है, कौन से ईयर की, कब ये रेकी की गई? देखिए 2018 का जून का हाईलाइटेड इंसिडेंट है जिसमें एक जो स्प्रिंगफील्ड राइफल थी, आरके स्प्रिंगफील्ड राइफल, वो भी रिकवर हुई थी, जो कि एक शूटर वहाँ लेके गया था। इनिशियली उसके पास पिस्टल था, और ये इंसिडेंट जो है ये जून 2018 का है। उसके बाद 2019 में दोबारा रेकी हुई और अटेम्प्ट हुई, तो ये दो डेफिनेट इंस्टेंसेस हैं। इसके अलावा जब भी कोई क्राइम होता है उसके पीछे काफ़ी प्लानिंग होती है, काफ़ी लंबा ऑर्गेनाइज गैंग्स हैं उस पर, काफ़ी टाइम लगाते हैं उसको प्लान करने में, तो एक तरीके से इट इज़ अ ऑन गोइंग थिंग ऑल्सो। सर, इस बार जब ये लेटर दिया गया है सलीम खान के पास पहुँचाया गया, क्या सलमान खान को मारने के लिए वहाँ पे शूटर्स मौजूद थे वेपन्स के साथ? इस चीज़ के बारे में हम आपको नहीं कुछ अभी बता सकते, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है महाराष्ट्र पुलिस की, जो पास्ट में है, जो कोरोबोरेटेड है, वो हम आपसे। सर, पास्ट वाली जो बात है, 2018 में जब राइफल जब मिली थी, स्प्रिंग राइफल जब मिली थी, जब संपत नेहरा को भी गिरफ्तार किया गया था और फौजी को पकड़ा गया था जिसने राइफल अरेंज कराई थी, 2019 में किस तरह की रेकी हुई थी? 2019 की रेकी के बारे में अगर आप थोड़ा बताएं, उसमें क्या शूटर्स वहां पर पहुंचे थे, अभी उसकी देखिए मुंबई पुलिस भी आगे फर्दर उस पर वेरीफाई कर रही है। जो अभी तक का फैक्ट है कि दो लोगों ने रेकी करी थी, उनके पास कोई व्हीकल था विच वॉज एपेरेंटली अ स्टोलन व्हीकल, लेकिन इससे ज़्यादा हम आपसे उनके नाम क्या थे और डिटेल्स ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते। कोई गन ऐसी थी जो माउंट की गई थी किसी स्टिक के अंदर, ऐसे भी? वो 2018 के इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं, वो स्प्रिंग वाली है सर। देखिए अगेन वो इन्वेस्टिगेशन, देखिए हमारा रोल है असिस्ट करना, जो हमारे पास लीड्स हैं बताना, एक्चुअल फैक्ट्स उसकी टेक्निकल डिटेल्स क्या थी वो आपको कंसर्न्ड एजेंसी से पूछना। स्पेशल सेल नहीं पकड़ा था तो इतना तो आया होगा जानने के लिए कैसी चीज स्टिक थी, कैसे माउंट किया गया था राइफल को उसके अंदर या पिस्टल को स्टिक के अंदर, ये थोड़ा सा बता दें प्लीज। ये स्प्रिंग राइफल थी, ये स्प्रिंग राइफल थी, ये डिटेल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताना चाहेंगे। सर, अभी तक जितने शूटर, जितने लोग पकड़े गए हैं, जैसे जॉइंट इंटरोगेशन वगैरह की है, इसमें कुछ पता चला है कि मूसेवाला और सलमान खान को जैसे धमकी दी थी, इसके अलावा भी कौन कौन से टारगेट थे जिनको आगे? ये फैक्ट हमारा प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने नहीं आया, तो इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। सर, एक और चीज है कि मूसेवाला के हाथ पर एक गन का टैटू बना हुआ है, लाइक AK-47, अपने गानों में भी उस गन का जिक्र करता है। एक उसका गाना है 295 मूसेवाला की जिस दिन मौत हुई वो। देखिए अब इसमें आई थिंक आपकी इमेजिनेशन ही ज़्यादा है, मैं यही बोल सकता हूँ, कोई अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा सामने नहीं आया है। सर, मेरा सवाल ये है कि अभी तक की जॉइंट इंटरोगेशन में क्या ऐसा है कि इनके कुछ नेक्स्ट टारगेट हैं जिनके बारे में पता चला हो कि अब ये नेक्स्ट टारगेट इनको के ऊपर अटैक करने वाले हो, दोनों गैंग में या कोई बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं? देखिए वो चीज़ मैं आपसे तो नहीं शेयर कर पाऊँगा कुछ ऐसा, लेकिन जो भी रेलिवेंट होगा हम कंसर्न्ड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से शेयर करेंगे। सर, लॉरेंस से पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस ने आप लोगों से संपर्क किया है? हाँ जी, हम उनसे रेगुलर टच में हैं,
महाराष्ट्र पुलिस से टच में है, हरियाणा पुलिस से टच में है, जहाँ जहाँ इनका रिलेवेंस है राजस्थान पुलिस से टच में है। तो जहाँ जहाँ इनका गैंग का कोई भी एक्टिविटी है जो कि जो शूटर्स को पकड़ने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको मैं तो पहले भी बोला था, हमारा तमाम फोकस है कि जो शूटर्स हैं इनको जल्द से जल्द दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। तो सारी एनर्जी जो है स्पेशल सेल की, जो हमारी टीम्स इस मॉड्यूल पे काम कर रही हैं, उनकी इसी पे फोकस्ड है। जो भी रेलेवेंट क्रिमिनल है उससे बात हो रही है। सर, जो तो हमने पहले भी बताया था कि मास्टरमाइंड है, अब आगे आपको मैं उसकी डिटेल्स आपसे शेयर नहीं कर सकता। ये मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। हाँ, पुणे पुलिस आई थी, पंजाब पुलिस भी आएगी। हाँ जी सर, जो पुणे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो महाकाल ने बताया कि सलमान खान के घर के बाहर जो लेटर पहुंचा धमकी भरा, वो लॉरेंस के लोगों ने भिजवाया, लॉरेंस ने भी क्या इस बात के आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन में लॉरेंस ने बताया कि उसने ही वहां पर लेटर भिजवाया, और लेटर कुछ कितने लोग वहां पर रख के आए इस लेटर को, या रेकी भी की थी वहां की अभी हाल फिलहाल? नहीं, अभी उस पर्सपेक्टिव पे लेटर किसने रखा नहीं रखा उस पे हमने अभी हमारी टीम का फोकस नहीं है, क्योंकि लॉरेंस के लोगों ने रखवाया ऐसा कुछ जांच में है। ये हमारी इस टाइम की जांच का फोकस नहीं है, क्योंकि ये इंटरोगेशन मुंबई पुलिस ने करी थी, तो इस चीज पे मुंबई पुलिस आपको बता सकती है। वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। दो ये हैं, चार और हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। ये जो ये दो नाम हैं इनका लाइकली है, मतलब इनका प्रोबेबिलिटी, हाँ मतलब 100% तो देखो पकड़े जाने पे ही होती है, लेकिन अभी तक की जो है कि इस तरीके से मॉड्यूल्स हैं। इन दो को जिसने इंट्रोड्यूस कराया उसको 50,000। सर, आईएफएस यूनिट भी आपके अंडर में ही है, स्पेशल सेल अंडर जो है उन्हें इन्वेस्टिगेशन कब ज्वाइन करवाई जाएगी? सर, इसमें एक और लाइन भी है कि क्या ट्विटर या फेसबुक जहाँ पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो उन्होंने कमेंट लिखे जिसमें भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, क्या उधर भी नोटिस वगैरह सब किया गया? जो भी रेलेवेंट होगा इन्वेस्टिगेशन में वो किया जाएगा। सर, कब बुलाया जाएगा इन लोगों को पूछताछ के लिए, जितने भी एक्यूज हैं दोनों एफआईआर? मतलब सर, इसमें कोई नोटिस दिया गया है क्या दोनों से? अभी मैं ये डिटेल्स आपसे, क्योंकि आज की ये ब्रीफिंग का ये मकसद नहीं था, तो आज मैं शेयर नहीं कर सकता। जब इसकी होगी तो आपको जरूर बताएंगे। 29 तरीक नूं पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला दा उसके पिंड दे कोल ही कतल कर दिता जांदा है, ते जिसके कातलां दी पुलिस वल्लों लगातार भाल कीती जा रही है, ते संबंधी लॉरेंस बिश्नोई दा नां सब तो अगे दिखाई दे रहा, ते इस पूरे मामले विच गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई दा नां सब तो अगे है, जिसनूं लैके हुण पुलिस ने कई अहम खुलासे कीते ने। हुण देखना इह होगा कि पुलिस दे हत्थ होर व्यक्ति कदों लगदे ने। दिल्ली तों दविंदर सिंह दी रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। होएगी किसानां दी गल, नवीं खेती मशीनां बीजां ते बागां दी गल, लैके चलांगे तुहानूं रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच, सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com D5 चैनल पंजाबी। हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।